हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूँगी पेंट से, मतलब उनकी आईज़ वगैरह हैं और उन्हें मतलब अच्छे से डेकोरेट करूँगी मैं। और अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि रात में करूँगी तो ये सूख जाएंगे, दिन में मैं फिर इन्हें नहला धुला कर रेडी कर दूँगी। और कल है एकादशी, तो एकादशी वाले दिन मैं इनको अपने मंदिर में स्थापित करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ना एक पेपर से कौन सी बना दी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो है ब्रश अवेलेबल नहीं था बारीक वाला, तो मैंने एक कागज़ की मदद से जो है इनका मेकअप कर रही हूँ। इनकी जो आईज़ वगैरह हैं वो मैं कागज़ की मदद से कर रही हूँ। ये जो कलर है ये फैब्रिक कलर है, जो पक्के वाले कलर होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इनकी काजल लगा रही हूँ ब्लैक कलर से, इनकी आईज़ को बहुत सुंदर सा बना दूँगी। और मुझे मतलब डेकोरेशन करनी नहीं आती, मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ठाकुर जी का कर रही हूँ ये। मैं वैसे बाहर जाकर करवा के आती थी, तो वहाँ पे 300-400 रुपये लगते थे, तो मैंने सोचा कि इतने में तो मेरे कलर आ जाएंगे 50-60 रुपये के, और मैं खुद ही कोशिश करती हूँ इन्हें तैयार करने की। तो मैं यहाँ पर जो है इनकी आईज़ को कर रही हूँ, और बस मेरे पास ब्रश नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कागज़ की कौन सी बनाकर ही कर लेती हूँ। और फिर एक ब्रश भी था मोटा है, वो जो बच्चों के स्कूल में यूज़ होता है। तो ये जो है मैंने इनकी आईज़ देखो कितनी बड़ी बड़ी भी लग रही हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं येलो कलर से इनके आई शेडो वाला लुक दूंगी। येलो कलर मैं लगा रही हूँ, पहले मैं यहाँ रेड कलर सोच रही थी, फिर मैंने सोचा रेड कलर नहीं, यहाँ पर इस बार मैं येलो कलर ट्राई करती हूँ। क्योंकि जो मेरे सासू माँ जी वाले ठाकुर जी थे, उनकी जो आई शेडो वाला जो कलर था वो उनका रेड कलर का करा के आए थे हम लोग जब बाहर से करा के लाए थे। तो मैंने सोचा कि इस बार यहाँ पर मैं येलो कलर का कर देती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर जो है इनका येलो कलर का कर रही हूँ। Thank you.
यहाँ पर मैंने इनकी जो है लिप्स पे जो है रेड कलर लगा दिया है, इनके लिप्स वगैरह पे। अब मैं इनके जो है टीका लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैं जो है येलो कलर का बनाऊँगी, वो टीका करूँगी और बीच में रेड कलर की एक बिंदी लगा दूँगी। और देखिए, सिर्फ मैंने जब इनका आईज़ का मेकअप किया था उसके बाद ही ये कितने सुंदर लगने लगे थे, और वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे तो नज़र ही नहीं हट रही थी जब मैं इनका जब मैंने रेडी किया था। तो ये मैंने संडे की रात को किया था, क्योंकि मंडे की सुबह जो है मुझे इन्हें मंदिर में रखना था, क्योंकि उस दिन एकादशी थी, इसलिए तो मैंने ये इस रात को किया था। तो देखो, यहाँ पर जो है मैंने इनका मेकओवर कर दिया है और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। बस अब मुझे इनके हेयर वगैरह करने हैं, जो हेयर पे जो है मैं ब्लैक कलर करूँगी, जो ब्रश से करूँगी, और जो इनके हाथ में लड्डू जो लगा हुआ है उसको मैं वाइट कलर से करूँगी, जिससे कि वो उसका लुक जो है माखन जैसा आए, तो इसलिए मैं उसे वाइट कलर से करूँगी। तो अभी मैंने ब्रश ले लिया है और जो इनके हाथ में लगा हुआ है माखन या लड्डू जो भी है, तो उसे मैं वाइट कलर से कर दूँगी, क्योंकि ये ब्रश जो है मोटा था, इसलिए मैंने सोचा कि इससे हो जाएगा ये। और ये बच्चों की पेंटिंग वाला ब्रश है, जो बच्चे ड्राइंग करते हैं वो वाला ब्रश है, तो ये मैंने अपने बेटे से ले लिया था, वंश का है ये ब्रश। और उसके बाद फिर मैं इसे वॉश करके ब्लैक कलर करूँगी इनके हेयर्स पे, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो ठाकुर जी के बाल वाल नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उन्हें खाली लंगोटी में ही बिठाती हूँ, और मैं इन्हें भी ऐसे ही बिठाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी के जो थे ठाकुर जी, मैं उन्हें ऐसे ही बिठाती थी गर्मियों में खाली लंगोटी में, और बाल बाल नहीं लगा देती उनके, तो जो है अच्छा नहीं लगता ना प्लेन प्लेन से, तो इसलिए मैं इसे ब्लैक कलर से कर दूँगी, जैसे कि कभी बाल नहीं लगाने हैं तो ऐसे ही वो बहुत सुंदर लगे। ब्लैक कलर ऐसा लगेगा ऐसे जूड़ा सा बना रखा है उन्होंने, इसलिए मैं इनकी जो ऊपर का जो है वो ब्लैक कलर से बालों को करूँगी। और यहाँ पर जो है मैं इनके आईज़ के ऊपर जो है कुमकुम का जो गेटअप है वो दूंगी, जो कुमकुम की बिंदियाँ लगाया करते थे इस तरह से। और ये देखिए मेरे ठाकुर जी जो हैं, बस इनका बालों का रह गया है बस, और सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। देखिए, यहाँ मैंने इनके महावर वगैरह लगा दिया है, रेड कलर से मैंने इनके पैरों को फिल कर दिया है, और ये देखो कितने सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी बस बोलने ही वाले हैं कुछ ये हमसे। तो मैंने इनके जो है पैरों का भी कर दिया है, बस अब जो रह गए हैं वो रह गए हैं इनके बाल। तो पहले जो है मैं इन कलरों को जो जिनका काम ख़त्म हो गया उन्हें बंद कर रख दूँगी, जिससे कि ये सूखे ना। हाँ, उसके बाद फिर जो लास्ट का जो रहेगा, अब जो रहेगा वो सिर्फ बालों का रह जाएगा इनका। Thank you.
वीडियो, छोटा सा वीडियो। मेरे ठाकुर जी यहाँ पर पूरी तरह से एकदम रेडी हो चुके हैं, अब बस यहाँ पर इनके लगाना बाकी है एक छोटा सा टीका। तो बस इनकी नज़र का टीका लगाऊंगी। और गाना याद आ रहा है, कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लेऊं नज़र उतार, कितना प्यारा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं कल आपको दिखाऊंगी इनका मैं स्नान किस तरह से करूंगी। सो बाय बाय।